नमस्कार सभी को। एक अभी नोटिफिकेशन कल आया है। नोटिफिकेशन है प्रिंसिपल के इंटरव्यू से रिलेटेड और इनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसको ज़रा देख लेते हैं क्या है। दिस इज़ रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट्स हु वर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विच वर शेड्यूल्ड फ्राम 16 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 एंड 20 मई से 24 मई। Candidates with prior experience in private schools required to provide an experience certificate which should be issued by the head of the respective organization principal stamped and countersigned by the district education officer। मतलब इन्होंने ऐसे लोग जो प्राइवेट पढ़ाए हुए हैं तो उनसे एक सर्टिफिकेट मांगा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस पे उस स्कूल के प्रिंसिपल या हेड के साइन होने चाहिए। उसके बाद वो जो है आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर साइंड किया जाना चाहिए। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी शिक्षा का उच्च अधिकारी हो, जैसे हमारे यहाँ DIOS होते हैं तो DIOS काउंटर साइन करेंगे, कई जगह DOE या मतलब जो भी अलग अलग जो भी अधिकारी हो आपके वो उसको साइन करेंगे। तो उनसे साइन करा के आपको भेजना है और ये भेजना है 31 तारीख तक और मेल ID ये है। अब जैसे क्या है कि अभी अलग अलग स्टेट से कई लोग इंटरव्यू देने गए जो अलग अलग स्टेट में पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाते तो PGT हैं बट उनके यहाँ उसको PGT बोला नहीं जाता है। यानी जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं राजस्थान में PGT टीचर जो होते हैं उनको लेक्चरर बोला जाता है। इसके अलावा उनको ग्रेड पे वो नहीं मिलता है जो इन्होंने मांगा, यानी 4800 ग्रेड पे नहीं मिलता है। कम सैलरी होती है, कम सैलरी पे काम करते हैं वो लोग। तो ऐसे सारे लोग हैं उनको रिजेक्ट किया गया, उनको नहीं कंसीडर किया गया। ऐसे ही बिहार में भी 11th 12th की अलग आती हैं, जैसे उनको वहाँ पर Grade 1 Grade 2 करके ऐसे करके अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ऐसे ही ये हैं, एक मेरे मित्र हैं मुंबई से, तो इनको भी रिजेक्ट किया गया। हालांकि इनके यहाँ ग्रेड पे तो सेम है बट इनको असिस्टेंट टीचर PG बोला जाता है। जैसे इन्होंने मुझे पहले भी बात हुई थी जब कई सारे लोग वहाँ से मतलब रिजेक्ट किए गए थे, तो इन्होंने हमें बताया सर वहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैंने कहा क्योंकि चूँकि आपके यहाँ सैलरी आपको सेम मिलती है, ग्रेड पे सेम है, तो आपको जाना चाहिए। तो ये गए थे तो इनका आज मैसेज आया, Yesterday I had the interview at NTRI. I was rejected in the DV. They told me that an assistant teacher PG and PGT is not same. Though the grade pay, the qualification is same, they told that in the advertisement it is clearly mentioned PGT. So I am not eligible according to them. मतलब कह रहा है कि क्योंकि मैंने उन्हें समझाया कि सर मेरे यहाँ ये पोस्ट होती है PGT की ही, हालांकि उसको असिस्टेंट टीचर PG बोला जाता है, रेट पे भी सेम होता है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। बोले नहीं, क्लियरली मेंशन था हमारे एडवर्टीजमेंट में कि PGT होना चाहिए और आप PGT नहीं हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि 48 केसेस हैव बीन फाइल, 48 केस फाइल किए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने 48 केस फाइल किए हैं बट दे आर हेल्पलेस क्योंकि उनको दे मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय NEST। तो जो DV कर रहा था उन्होंने कहा भाई क्योंकि हमसे बोला गया है कि आप PGT जो हो उन्हीं को लीजिएगा, ऐसे किसी भी कैंडिडेट को ना लीजिएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कह रहे कि अगर ऐसा कुछ होगा इन फ्यूचर, कोई जिन्होंने केस किया है उनके फेवर में आता है, अगर हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे, ऐसा इनसे बोला गया। इसे कहा उन्होंने दे आर हेल्पलेस। They told that if some decision is taken regarding this, they would call us in future. Have rejected Pravikas also in cases of KV and NVS. It is clearly mentioned in the advertisement that people of equivalent post can also apply. EMRS played this trick on us as far PGT's people, though that equivalent would also be allowed. Took 2000 from everyone, finally rejected us. I had even mailed to MRS and NEST before going for the interview. They didn't respond. Bought tickets, put up at. तो मतलब ये सारी चीज़ें बोले कि सारा कुछ पैसे हमसे ले लिए, फॉर्म फिल करवा लिया, हमने मेल भी किया था उनसे क्लेरिफिकेशन लेने के लिए कि क्या मेरी पोस्ट वो इक्विवेलेंट है, रिप्लाई नहीं दिया, मैं टिकट करके वहाँ गया, सारा पैसा मेरा वेस्ट हो गया, तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा आप लोग केस फाइल करिए और आप निश्चित रूप से जीतेंगे क्योंकि सेम पोस्ट है आपके यहाँ। भाई हम 11th 12th पढ़ाते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने 11th 12th को पढ़ाने का सेम ही है,
क्वालिफिकेशन से मैं मास्टर मांगते हैं, सब कुछ है, तो निश्चित रूप से आपको लिया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।